रखूं कि बहुत बड़ी पैन हूँ। तो चलो अब मैं आपको मूड पतलू की स्टोरी बताती हूँ। तो हमारा पहला कॉमिक है मुंदेर पे तेरी बोल रहा है कागा। मतलब किसी की छत में कौवा काव काव कर रहा है, पर वो तो नहीं पता किसकी छत में कर रहा है। तो चलो आज उसी के बारे में जानते हैं। हाँ, तो पुराने जमाने में जब किसी की छत पर कौवा काव काव करता था, तब उन्हें लगता था कि हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाला है। तो सेम मोटू पट्टू के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उनकी छत पर कौवा काव काव कर रहा था, तब उन्हें लगा हमारे घर मुफ्त मेहमान आने वाला है। उन्होंने गेट अंदर से बंद कर लिया। जब मेहमान आया, उसने देखा गेट तो बंद है, तो वो चला गया। तो फ्रेंड्स, आप ही सोचो, दरवाजा तो अंदर से बंद था, मेहमान तो बाहर से चले गए। बताओ आपको हंसी आई कि नहीं आई? हाँ, तो हमारा सेकंड कॉमिक है मोटू पतलू और कुत्ते का बच्चा। एक दिन पतलू घर जा रहा होता है, तब उसे कुत्ता दिखता है, कुत्ते का बच्चा, और उसके पैर में बहुत लगी हो। पतलू को तरस आ जाता है और वो उठा के अपने घर ले आता है और उसकी मरम पट्टी करता है। पर मोटू और डॉक्टर झटका और घसीटाराम बोलते हैं, नहीं नहीं, इस कुत्ते को बाहर निकालो। पर वो बोलते हैं, नहीं, मैं इसको अपने पास ही रखूंगा, मैं इसको कहीं नहीं भेजूंगा। तो मोटू ने प्लान बनाया कि रात को वो पतलू के घर चोरी करने आते आ जाता है। तो वो रात को चोरी करने आता है, तब उसे जैसे ही गेट खोला, तब कुत्ता कुत्ते का बच्चा भौंकने लगता, भौं भौं भौं। तो पतलू की नींद उठ जाती है। तो जब पतलू देखता है, तब बोलता है मोटू को कि मोटू आओ आओ सो जाओ मेरे पास। और मोटू कहता है, तुमने तो बड़ी अच्छी बात करी, तुमने अच्छा कुत्ता ले लिया, अब हमारे घर कभी भी चोरी नहीं हो सकती। तो कैसी लगी आपको मोटू पतलू की कॉमिक स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर